Hello everyone, I am Yash from Vyas Academy और in this video we are going to take science of class 5 और आज हम start करेंगे chapter 10 जिस जो कि है basically water flows from upside towards downside। बच्चों हमारे chapter का name थोड़ा सा difference है कि water flows from upwards to the downside, मतलब ये होता है कि जो पानी का बहाव है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। अब आप सोचेंगे कि नेम जो चैप्टर का नेम है वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो लेट मी एक्सप्लेन इट विथ द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। बच्चों ये एक नेचर का कह सकते हैं हम नेचुरली एक एक्टिविटी है जिसमें वाटर जो है वो फ्लोस करता है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे वर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं तो जी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी फोर्स, ये एक ऐसा फोर्स है जो हमारी अर्थ क्या करती है, सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर इक्वली फॉर्म में क्या करती है, अप्लाई करती है। और अप्लाई करने के साथ यही रीज़न है कि हम जो अभी इस अर्थ सरफेस पर खड़े हुए हैं, जो स्ट्रेट खड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो मून पर जंप करते हैं तो बहुत हाई हम हाइट तक जंप कर पाते हैं, वो फ्लोटिंग करते हैं यानी कि तैरते हैं इन एटमोसफेयर। ऐसा हम अर्थ पर क्यों नहीं कर पाते हैं? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और यही रीज़न है कि वाटर जो है वो अपसाइड से डाउनसाइड क्या करता है, फ्लोट करता है। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो वाटर है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इरिगेशन के अंदर। बेसिकली हम इरिगेशन यानी कि एग्रीकल्चर में यहाँ पर वाटर किस तरह से फ्लोट करता है, ये वो किस अमाउंट में यहाँ पर किस तरह से हम इस नेचर को आगे यूज टू करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम यहाँ पर प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं वह फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक इन रेनी डेज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जब भी हम रेनी डेज में देखते हैं तो हर तरफ पानी होता है, चाहे नदी, तालाब, झरने, आसपास के जितने भी कुंड वगैरह, बावड़ियाँ वगैरह, कुएँ वगैरह जो भी होते हैं वो फुल हो जाते हैं, फुल ऑफ वाटर। तो बेसिकली आपने देखा होगा हर तरफ हरियाली छा जाती है, ग्रीन प्लांट्स, एक फ्रेश नेचुरल सी एयर, वो काफ़ी अच्छी लगती है हमें। और हम घूमने जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, और पिकनिक पर जाते हैं तब देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर से वाटरफॉल हो रहा है, झरना देखते हैं हम, आसपास में बहता हुआ नदियों में से पानी देखते हैं हम, तो वो सभी जो है वो अपवर्ड से डाउन साइड की तरफ ही जा रहा है, झरना जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। आपने कभी उल्टा झरना जाते हुए देखा है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, या नदी का पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए देखा है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि इट लेट्स बिगिन फ्रॉम सम डेफिनेशंस ऑफ इट। वाटरफॉल्स एंड रिवर गेट कलेक्टेड इन टू द पॉन्ड। और क्या होता है, जो भी पानी बह करके जाता है वो फाइनल एट लास्ट मोमेंट कहीं ना कहीं तो जा करके इकट्ठा होना ही है, तो वो जो बह के जाता है वो बड़े बड़े तालाबों में, नहरों में, या फिर कह सकते हैं हम झरनों में इकट्ठ से बहता हुआ कहाँ चला जाता है, लेक्स के अंदर। और इट मीन्स दैट वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स। और इसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि जो पानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर के इस नेचर को किस तरह से फील्ड में बिहेवियर को नोटिस किया जा सकता है, तो वाटर इन फील्ड। अब बच्चों आपने देखा होगा कि जब भी इन रेनी डेज देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वाटर। जब भी अच्छे से बारिश होती है बच्चों, तब है ना जितने भी एग्रीकल्चर वर्क होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छे से फसल डेवलप करते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी अच्छी क्वांटिटी में और हेल्थी क्रॉप डेवलप करते हैं। लेकिन क्या होगा जब बारिश कम है या बारिश है ही नहीं, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि मार्केट में जो महंगाई है या फिर शॉर्टेज देखने को मिलती है, हमें फ्रूट्स कम मिल रहे हैं या फिर वेजिटेबल्स कम मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, खाने पीने के लिए खाना कम हो जाएगा, तो ये कुछ आप प्रॉब्लम्स फेसअप करेंगे अगर बारिश प्रॉपर वे में नहीं होती और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? हम ऐसा तो है नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के और वेट करेंगे बारिश आएगी फिर हम क्रॉप करेंगे या एग्रीकल्चर वर्क करेंगे बच्चों, तो उस सिचुएशन में जो लाइफ है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और खाने पीने के लिए लोगों के पास में खाना बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अल्टरनेट क्या निकाला गया, कुछ इरीगेशन के लिए यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटेजी या फिर टेक्निक बनाई गई, उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं वाटर को सप्लाई जो है वो कंटिन्यू करते हुए एग्रीकल्चर जो वर्क है वो आगे डेवलप कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विथ सम क्वेश्चंस कि अभी हमने बात की थी कि फील्ड में किस तरह से बिहेव करता है, बारिश हुई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो बहुत बुरी बात है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब आप क्या दे पाते हैं या नहीं। What are the sources of water for irrigation? जैसा कि आपको
शायद आपको पता हो या नहीं भी, क्या ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं जिनको इरिगेशन में यूज़ किया जा सकता है। अगर आपके खेत है यानी कि फील्ड है आपकी खुद की, बहुत चौकी होगी और शायद नहीं भी, तो उन्हें अच्छे से पता होगा कि हमारे खेत पर हम जो पानी है पेड़ों को किस तरह से या फिर किस मोड का या किस तरह से किस टेक्निक या टेक्नोलॉजी का या फिर किस टूल का या फिर कह सकते हैं हम किस मोड का यूज़ करते हुए पेड़ों में पानी पिलाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर के हर खेत में एक कुआ होता है, उस कुएं से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए मोटर एंड पाइपलाइन का यूज़ करते हैं, जिसे हम ट्यूबवेल भी बोलते हैं, ट्यूबवेल ऑन करते हैं और फिर वहाँ से पानी जो है अंडरग्राउंड जो वाटर होता है जो कुएं के अंदर होता है वो बाहर आता है मोटर की हेल्प से। एक बड़ी सी हर खेत के बीच में नालियाँ बने क्यारियाँ बनाई जाती हैं, एक सीरियल से लाइन बनाई जाती है और वहाँ पर वो पानी सप्लाई किया जाता है। तो धीरे 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 वो पानी क्या करता है, खुद से बह करके आगे जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने अभी बात की थी, तो वो खुद से बह करके चला जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे खेत ऐसे भी हैं, ऐसी फील्ड होती हैं जो है ना हाइट पर होती हैं या फिर उनका जो लेवल है वो एकदम क्लियर प्लेन नहीं है, हो सकता है कि वो ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा हो, या हो सकता है कि वो कर्वी एरिया हो। तो उस सिचुएशन में पानी क्या होगा, अगर हम नॉर्मल पानी सप्लाई करेंगे तो वो जहाँ पर गहराई है वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और सभी प्लांट को प्रॉपर वे में नहीं मिल पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड वी डू सो दैट द वाटर रीच द होल फील्ड, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहाँ पर क्या होगा कि पूरी खेत में यानी कि जहाँ जहाँ भी आपने क्रॉप प्लांट ग्रोथ डेवलप किए हैं, सीड बोए हैं, वहाँ पर हर तरफ पानी प्रॉपर वे में जाए, ऐसा हम क्या कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की सिचुएशंस को कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, तो इसे पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरीगेशन। सबसे फर्स्ट इरीगेशन का मतलब हम जानेंगे कि एक्चुअल में इरीगेशन होता क्या है। तो इरीगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू द क्रॉप। बच्चों साधारण सी परिभाषा अगर हम बात करते हैं तो इरीगेशन का मतलब यही होता है कि जितनी भी बड़ी आपकी फील्ड है और उसके अंदर आपने जितने भी क्रॉप यानी कि प्लांट डेवलप किए हैं या फिर इरीगेट किए हैं, उनमें एक खास अमाउंट में पानी को आप क्या कर सको, पहुंचा सको, ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए, लेकिन बराबर मात्रा में सभी के पास में आप सभी प्लांट के पास आप पानी पहुंचा सको, इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इरिगेशन, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें इन आगे डिटेल में मिलने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे और कितने टाइप्स होते हैं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि कुछ प्रॉब्लम्स अगर ऐसी होती हैं तो हमें कैसे उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन में फर्स्ट आता है सरफेस इरिगेशन। बच्चों सरफेस इरिगेशन सबसे सिंपल सी होती है, जिसका ट्यूब जिसमें क्या होता है, जहाँ पर सरफेस एकदम प्लेन होता है, हम यूज़ करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स का और वाटर को सप्लाई किया जाता है अलग अलग ना क्यारियों में बना हुआ जो होता है वहाँ पर, और जो वाटर है वो खुद ब खुद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आगे से आगे हर तरफ फील्ड में चला जाता है। तो ये तो था सबसे ईजीएस्ट एंड कॉमन वे, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जी फोर्स के कारण और अच्छे से इरिगेशन वर्क। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ओवरहेड इरिगेशन। बच्चों यहाँ पर क्या होता है ओवरहेड इरिगेशन, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, हो सकता है कि प्लांट्स के सिर के ऊपर या फिर ऊपर की तरफ से यहाँ पर कहीं से पानी को है सप्लाई किया जाता है। तो यस यहाँ पर कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। बच्चों यहाँ पर जो क्रॉप जितनी भी बड़ी फील्ड है, जितने भी क्रॉप्स आपके डेवलप किए गए हैं, उनके अपसाइड कुछ पाइप की हेल्प से एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है पूरी फील्ड पे, और वहाँ पर कुछ स्प्रिंकल्स यानी कि कुछ फव्वारों का यूज़ किया जाता है। हर प्लांट की ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस उस फव्वारे के पानी से कवर हो सके, और फिर क्या होता है जिस तरह से बारिश होती है इस तरह से आर्टिफिशियली क्या किया जाता है वहाँ पर वाटर सप्लाई किया जाता है। तो इस तरह से ओवरहेड यहाँ पर इरिगेशन कंप्लीट की जाती है, जो कि यूज़ होती है बेसिकली ओवरहेड स्प्रिंकलर से। अब हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन। बच्चों ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट होता है। ड्रिप इरिगेशन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सेव किया जाता है। यहाँ पर पूरे फील्ड में ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है विद द हेल्पिंग ऑफ पाइप, कि हर प्लांट के पास में से एक पाइप सीधा स्ट्रेट
जाता है और उसमें से कुछ सब पाइप्स यानी कि कुछ और उसमें से छोटे छोटे पाइप्स अटैच किए जाते हैं, यानी कि मेन पाइप और फिर उसमें से कुछ डिफरेंट 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 छोटे छोटे पाइप्स हर एक प्लांट के लिए। और वो जो क्या करते हैं, यहाँ पर पानी का वेस्टेज बहुत कम से कम होता है और हर प्लांट को इंडिविजुअली यहाँ पर एक सेपरेट पाइप क्या करता है, रूट में वहाँ पर पानी अवेलेबल करवाता है। तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप्स है और यहाँ पर होता है बेसिकली यूजेस ऑफ पाइप्स का यूज़ करते हुए फील्ड में यूज़ करते हैं इरीगेशन। लास्टली सिंपल स्प्रिंकलर्स। बच्चों हमने यहाँ पर अभी देखा था कि ओवरहेड इरीगेशन में क्या हो रहा था, स्प्रिंकलर्स यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर भी क्या होता है, स्प्रिंकलर्स में पूरी फील्ड के अंदर फील्ड पर ही छोटे 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 से फव्वारे यूज़ किए जाते हैं, जो कि आपने अगर हम कहीं गार्डन्स में जाते हैं तो वहाँ पे देखा होगा कि छोटे छोटे से स्प्रिंकल्स होते हैं जो गोल गोल रोटेट करते हैं और वहाँ पे से पानी की गोल 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 इस तरह से फव्वार निकलती रहती है। तो उससे क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हर प्लांट में अच्छे से मिलता है। तो दैट्स ऑल, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इरीगेशन वर्क करता है, किस तरह से इसके टाइप्स होते हैं और जो वाटर का नेचर है वो किस तरह से बिहेव करता है, और जब सिचुएशंस अब हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हम किस तरह से हम हैंडल करते हैं सिचुएशन को और इरीगेशन का वर्क कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।